एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है बच्चों, इसमें क्या फर्क है ब्रीफली समझ लीजिएगा। जितना आपको जरूर समझ होना चाहिए उतना जरूर समझ लीजिएगा। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ये दोनों अलग अलग नेचर का मीनिंग क्या है। लाइट बेसिकली ड्यूल करेक्टर पोजेस करती है, ये एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह भी। जब आप लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर करते हो, यू जनरली से दैट द पार्टिकल्स दीज पोजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज आर कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी। और इनमें एनर्जी ई जो है एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू के बराबर हुआ करती है। और अगर आप अदरवाइज वेव नेचर की बात करो, तो वेव नेचर में आप लाइट को एक बेटा सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट करते हो। आप ये कभी भी नहीं कहते कि लाइट पार्टिकल्स का बना हुआ है। दोनों आपके जो कंसेप्ट्स हैं, मे बी पार्टिकल नेचर मे बी वेव नेचर, ये आपकी पॉसिबल थ्योरीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। आगे चलकर आप कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं, तो वो आपको पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट जस्टिफाई कर देते हैं। और जब आप वेव नेचर की बात करते हो बेटा, तो आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या आप ये कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल पार्ट, विजिबल रीजन, जिसमें वी आई बी जी वाई ओ आर सेवन कर्व्स आप पढ़ते हो और सारा डिस्कस करते हो, ये सारा आपको बेटे वेव नेचर के बारे में इंडिकेट कर देता है। सो वंस अगेन, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सिंपली यही कहूंगा कि पार्टिकल नेचर की जब आप बात करते हो, तो आपका लाइट आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कह देते हैं कि ये पार्टिकल्स का बना हुआ है। एक के बाद एक पार्टिकल आई जा रहा है, वो स्ट्राइक करी जा रहा है, और जो करेक्टरिस्टिक्स आप आपका एक पार्टिकल सिंगल पोजेस करेगा, सारे लाइट भी पोजेस करेगा। मतलब मोमेंटम वगैरह भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, एनर्जी भी होगी, सब कुछ होगा। और जब आप बात करोगे वेव नेचर की, तो जो जो करेक्टरिस्टिक्स आपकी जनरल वेव्स पोजेस करती हैं, वो सारे आपका लाइट पोजेस करेगा। तो दोनों आपके जो लाइट और पार्टिकल नेचर हैं, आपके सारे रिजल्ट्स को इक्वली जस्टिफाई कर देते हैं। और यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि आपका जो लाइट है, ये ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्यूल कैरेक्टर पोजेस करता है। लाइट भी है और ये बेटा सॉरी वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। दोनों तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। सो इन दिस वे बेटा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद एनी अदर पॉइंट, पूरा सिलेबस आपका टर्म वन का जो है, उसमें से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। रेनबो फॉर्मेशन पहले देखिए, बाकी काम बाद में करते हैं। आइए देखें रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रेनबो फॉर्मेशन, बच्चों बेसिकली रेनबो दो तरह का होता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। रेनबो फॉर्मेशन के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है। ये गुड़िया बंद करो, ये आप प्रैक्टिकल की फाइल बना रहे हो, क्या कर रहे हो फिर? हाँ अच्छा, रख दो साइड पे। अब जरूरी कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन के लिए, आफ्टर द रेनफॉल वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वॉटर
मस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमोस्फियर, और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं दे एक्ट एज वेरी टाइनी प्रिज्म्स बेटा, मतलब रेनफॉल हुआ होना चाहिए ताजा ताजा, और उसके बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के आपके एटमोस्फियर में सस्पेंडेड हो। तीसरी बात, सनराइज हो जाए इमीडिएटली बाद, स्काई क्लियर हो जाए, सन निकल आए और ऑब्जर्वर का बैक सन की तरफ होना चाहिए। ये सारी जरूरी कंडीशंस हैं, फिर से सुनिएगा। पहले तो रेनफॉल हो जाना चाहिए, रेनफॉल के बाद आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के एटमोस्फियर में सस्पेंडेड होते ही हैं, वो कोई ऐसी बात है नहीं है। लेकिन आफ्टर द रेनफॉल इमीडिएटली क्लाउड्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएं, चले जाएं, सन अपीयर हो जाए, ये जरूरी है। और रेनबो देखने वाला बंदा, पर्सन, स्टूडेंट, उसका बैक सन की तरफ होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशंस हैं बेटा, तब जाकर रेनबो जो है ये बन जाया करता है। अब आइए असल में देखें रेनबो फॉर्मेशन में और कौन कौन से हमारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, इमेजिन कर लीजिए ये पानी के ड्रॉपलेट्स पड़े हैं एटमोस्फियर में, मैं बड़े करके आपको दिखा रहा हूँ, मैग्नीफाइड व्यू इनका दिखा रहा हूँ। और हाँ जी बोलिए बुतर, हाँ बोलो गुड़िया, किसको नहीं दिख रहा, इधर आ जाइए मेरे पास, किसको नहीं दिख रहा, जल्दी आ जाइए, आगे सीट है, जल्दी से आ जाओ। लोअर और अब नहीं आएगा कोई भी, है ना? अच्छा दिखता है तो अच्छी बात है, दैट्स नाइस। ओ बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जा यार, रुक जा। आपका अर्थ का सरफेस पानी के ड्रॉपलेट्स रिमेनिंग सस्पेंडेड इन द एयर, इस तरफ सन निकल आया है बारिश के बाद, और यहां पे ऑब्जर्वर जो रेनबो को देखना चाहते हैं, और सन से जो रेज ऑफ लाइट हैं ये कुछ इस तरीके से आ रही हैं, काफी दूर है सन, एक रे इस तरफ आ गया, सन काफी दूर है, एक रे ऐसे भी आ रहा है, ये थोड़ी लोअर अल्टीट्यूड पे ड्रॉपलेट्स हैं पड़ी हुई, रे ऑफ लाइट आ गया, रे ऑफ लाइट आ रहा है, जो थोड़ी कम हाइट पे ड्रॉपलेट्स हैं इनमें दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डिस्पर्शन तो होना ही होना है क्योंकि ये प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एयर टू वाटर आ रही है, इसका रिफ्रैक्शन हो गया, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और यहां से फिर से ये रिफ्रैक्शन हो गया, ये रे ऑफ लाइट इस ऑब्जर्वर की आईज में आकर पहुंच गई है, ये रे आ रही है, रिफ्रैक्शन पहला, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बैक, और ऑब्जर्वर की आईज में आकर ये रे उसने देख लिया। और आपका जो पैटर्न है कलर्स का, बी आई ये आपको इस तरीके का पैटर्न जो है दिखाई दे देगा,
जैसे आप प्रिज्म में से डिस्पर्शन के बाद सेवन कलर्स को व्यू किया करते हैं, आपको सेवन कलर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। याद रखिएगा ये कम हाइट वाले ड्रॉपलेट्स हैं, और इन्होंने जो आपको ये रेनबो बना के दिया है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? इसका रीजन ये है बेटा कि जो आपकी लोअर हाइट पे ड्रॉपलेट्स हैं, ये हमेशा रेनबो इन कंडीशंस में बना देगी, लेकिन अपर वाली नहीं बनाती। दैट इज वाई ये बेसिक और प्राइमरी कहलाता है। ये अपर वाली को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हैं, जस्टिफाइड हैं, आई मीन टू से दैट कि अगर आपके एटमोसफियर में पोल्यूशन वगैरह कम है या नहीं है, ना के बराबर है, दो बार रिफ्रैक्शन, दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन इट इज रीचिंग द ऑब्जर्वर्स आई। बेटा एक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन तो हो ही रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट वेट कर लीजिए। ये रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, ये आ गया आपका ऐसे। इसमें दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार डिस्पर्शन, इनमें एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार डिस्पर्शन, ये सब हो रहा है। इसमें पैटर्न ऑफ द कलर्स उल्टा होता है। ऐसे, और ये थोड़ा सा फेंट होता है प्राइमरी के कंपैरेटिवली, अ लिटिल बिट फेंट। कलर सारे ही होंगे लेकिन इसके कंपैरेटिवली इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, थोड़ा फेंट होगा, और पैटर्न ऑफ द कलर्स उल्टा होगा। बारिश का जिस जब बेटी मौसम होता है, तब ये प्रॉबेबली विजिबल होता है, बिकॉज रेन ड्रॉप्स के साथ आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है पोल्यूशन की फॉर्म में, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। कंडीशंस अगर परफेक्ट हो जाती हैं तो ये आपको विजिबल हो जाता है। यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि ये एंगल 41 से लेकर 43 डिग्री तक ये बनता है, 2 डिग्री में सारा रेनबो पैटर्न बन जाता है। और ये सेकेंडरी जो है 51 से लेकर 53, 51 डिग्री से 53 डिग्री तक, यहाँ पे 1 डिग्री का और फर्क रहता है, यहाँ पे 44 तक हो सकता है। और इन दिस मैनर बेटा आप अपने इस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। रिपीट करूंगा वंस अगेन, आपका जो रेनबो बना हुआ है, रेनबो फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्या हैं? रेन जरूर हुआ होना चाहिए। रेन के बाद आपके एटमोस्फियर में सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहनी चाहिए, और वो जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं, दे एक्ट एज वेरी टाइनी प्रिज्म्स। और प्रिज्म आप जानते हैं आपके व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में सेपरेट कर दिया करता है। उसके साथ ही साथ जो लो हाइट पे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती हैं, इनमें एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार डिस्पर्शन हो रहा है, और आप पैटर्न देख पा रहे हो। स्फेरिकल नेचर अ लिटिल बिट होने की वजह से आपको ये स्फेरिकल दिखाई देता है, रेनबो का भी पैटर्न। और यहाँ पे ये वाला अपर पार्ट जो है, इसमें दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन, और डिस्पर्शन तो चलो हो ही रहा है बेटा, आपका ये वाला पैटर्न जो है आपको इस तरीके से दिखाई दे देता है। और जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेकेंडरी रेनबो देखने को मिले, प्राइमरी तो हमें मिल जाता है कॉमनली, सेकेंडरी थोड़ा सा रेयर होता है जब आपकी कंडीशंस स्पेशली बेटा स्काई की वो क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, तब ये, और ये एंगल भी जस्टिफाइड होने चाहिए, तब जाकर ये बन जाता है और वी आर एबल टू व्यू दीज ऑल।
एंगल ऑफ इमरजेंस इंसिडेंस कुछ नहीं है, ये आपका प्राइमरी रेनबो से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ऑब्जर्वर के साथ हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनाता है ये वो एंगल है, ठीक है जी। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस बिल्कुल नहीं कहना आप, क्लियर। किसका? यही है। अगर तो आपको वो सिंपली कह दें कि रेनबो में ऑर्डर ऑफ द कलर्स बता दीजिए तो डायरेक्टली वो प्राइमरी रेनबो ही की बात कर रहे हैं। आप लिख दीजिए सिंपली, अनलेस और अंटिल वो सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी आपको वो ऐसे बताते ही नहीं है। आपने पूछ लिया था, मैंने बता दिया, वैसे ही नहीं बताते हैं जनरली, तो आप इसी पैटर्न की बात करेंगे, अनलेस और अंटिल इट इज रिटन सेकेंडरी, राइट। चलें आगे। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, क्या करना है उसमें? हाँ बेटा लिसन, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, दोबारा बोलिए। खुशी उल्टे क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस टू टाइम्स, उसकी वजह से पैटर्न उल्टा हो जाता है। किसका? री? किस रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो आप? प्रिज्म वाले की? कोई बात नहीं, एक मिनट बेटे, एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट वेट कर लीजिएगा। आपके पास एक सिंपल प्रिज्म है और आपने ये प्रिज्म आपके पास आ गया, ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, सेवन कलर्स में स्प्लिट हो रहा है ये, बड़ी जल्दी समझ आई भाई, बड़ी जल्दी समझ आ गई। वैसे देख लो फिर भी, अब बना रहा हूं मैं, एक मिनट लगेगा हार्डली। इस लिसन, इस फेस के बिल्कुल पैरेलल फेस रखकर आपने एक और प्रिज्म रख दिया ऐसे, और ये वाला रे और ये वाला रे अगर बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म्स हैं तो ये पैरेलल रहेंगे दोनों। अगर ये वाला प्रिज्म और ये वाला प्रिज्म बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ये और ये वाला रे पैरेलल रहेंगे बेटा। थोड़ा बहुत अपना पाथ तो डिविएट हो गई होगा, बट रहेंगे पैरेलल। इसको बोल देते हैं कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो सेवन कलर्स में डिस्पर्स होने के बाद अगेन रिकम्बाइन करके आपको सिंगल व्हाइट लाइट दे रहा है, राइट। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? गुड। हायर एल्टीट्यूड्स की जब आप बात करते हैं, ये बात आपको मैं पहले बताने भी वाला था बट आई नहीं बता नहीं पाया मैं। माउंटेन रीजन्स में अगर आप प्रेजेंट हैं बारिश के टाइम पर, दो रीजंस होते हैं वहां पे, एक तो आपका हाइट है ग्राउंड लेवल से, और सेकेंडली आपका बेटे वहां पे पोल्यूशन का लेवल बड़ा कम होता है, हाइट की वजह से आपके ये एंगल परफेक्टली आपको मिल जाते हैं, और ये भी इतना मैटर नहीं करता। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वहां पे ज्यादा दिखता है यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ भी दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पर एंगल्स आपके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाने चाहिए, उस पर्टिकुलर केस में जिस जगह पर सन प्रेजेंट है। अगर इस रेंज में ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं तो आपको दिखाई देंगे, और आपने देखा होगा कि स्पेशली रेनी सीजन में ये आपको दिखता है, दोनों दिखते हैं कभी कभी,
बट कंडीशंस परफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन हो जाता है कई बार, उसकी वजह से थोड़ा ये डिप्रेस सा होता है और बहुत ज़्यादा फेंट भी होता है। कई केसेस में आप सारे कलर्स नहीं देख पाते, दो तीन ही देख पाते हैं, बाकी नहीं विजिबल होते, तो इट हैपन्स। बट जो आप हिल स्टेशन की बात कर रहे हो, हाइट की बात कर रहे हो, वहाँ पे हाइट की वजह से जो, और आपके पोल्यूशन के कम होने की वजह से ये ज़्यादा क्लियर होता है पूरा। हाँ, पूरा सर्कल के अंदर बेटे बनने के लिए आपकी, पूरा सर्कल के अंदर बनने के लिए आप अगर चाहेंगे पूरा ही सर्कल बन जाए, पूरा सर्कल बेटे आपको, आप बिकॉज अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हैं, सरफेस इटसेल्फ कर्वेचर है, अर्थ का सरफेस कर्व्ड है, और पूरा सर्कल आप आई थिंक ही नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए आपको बेटा अपना जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा, मे बी एंगल्स में कुछ चेंज आ जाए तो ये आप इजीली विजिबल आपको हो जाए। अदरवाइज आप जितना भी इन एंगल्स के ऊपर रिलाई करेंगे उतना आपको आपका जो रेनबो है बेटा ये कन्फाइंड वे में आपको दिखाई देता चला जाएगा। वो होती है, आइए एक्सप्लेन कर देता हूं आपको मैं। एक दिन हम कुछ रिफ्रैक्शन का डिस्कस कर रहे थे, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक दिन हमने कुछ डिस्कस किया भी था आई थिंक। ए पेंसिल अपीयर्स ब्रोकन वाला, सनसेट सनराइज कर लिया, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर शैलो, फिर क्यों दिक्कत आ रही है, फिर तो ठीक है। हाँ, सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, जैसे जैसे आप हाइट पे चले जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी विद द हाइट कम पड़ता जाता है, एयर की लेयर्स की कंसंट्रेशन हाइट पर कम होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा हिल स्टेशंस में वो कहते हैं कि हेल्दी बंदे ही जाएं, जिनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है वो कम जाएं, बिकॉज वहां पे एयर का प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे बेटा जी कम होने की वजह से कंसंट्रेटेड, या आपको जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती, कम होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपका एयर का कंसंट्रेशन कम होता है और करीब करीब, चलिए न्यूमेरिकल बात बाद में कर लेंगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं आपका एयर का कंसंट्रेशन कम होता है, और अगर एयर का कंसंट्रेशन कम होगा म्यू ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। आउटर एटमोस्फियर में म्यू कम है, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस की तरफ आते जाते हैं म्यू बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्शन का भी एक्सटेंट बदलता जाता है, राइट। एनी अदर पॉइंट, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर, तो हाँ जी, हाँ जी, इसको नीचे करके बोलो। हाँ पूछिए। हाँ कोई बना लो, एक बना लो, ये नहीं लिखना आपने, जो हमने किया वो सीधा लिखो, इसकी जरूरत है। स्टैंड अप। सर्दियों में प्लीज इसको नीचे करके बोलिए, बैठिए। सर्दियों में, विंटर में कई बार आपने देखा है कि इंटेंस फॉग पड़ती है, हम प्रॉपरली देख नहीं पाते। अगर आप किसी व्हीकल में हैं, आप लाइट भी जलाते हैं तो आपको वो आगे कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। फॉग में आपका बेटे जो है
लो टेम्परेचर होने की वजह से बहुत ही छोटे 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 आइस के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और कई बार उसके साथ मिलकर पोल्यूशन के पार्टिकल्स स्मॉग भी बना देते हैं। दैट इज अ क्वाइट डेंजरस सिचुएशन। फॉग की बात कर रहे थे, फॉग में जब आपके व्हीकल का हेडलाइट वर्क करता है, फॉग उसको बेटा पर्टिकुलर लाइट को स्कैटर कर देती है। स्कैटर करने से क्या होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को यानी रोड को देखना पा रहे थे, देखना चाहते थे, वहां तक लाइट पहुंच नहीं रही है, और लाइट आपकी रास्ते में ही उसको बेटा स्कैटर होना पड़ रहा है, और आपको अपना जो व्यू है वो ब्लर दिखाई देता है। एंड फर्दर मोर, कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि कोई पर्टिकुलर टाइप की जो लाइट है वो थोड़ा सा दिख जाती है, थोड़ा सा इंफ्रारेड बल्ब कई लोग यूज करते हैं, कोई थोड़ा सा और कलर यूज कर लेते हैं। वहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जब आप यूज करोगे तो वो वेवलेंथ जो है अकॉर्डिंगली बेटा डिपेंडिंग अपॉन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसका एक्सटेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, कम स्कैटर करती है और वो थोड़ा सा दूर से दिख जाती है बेटा। आप लोग रेड कलर आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। एंड देन बेटा इंफ्रारेड की बात करते हैं, इंफ्रारेड कलर की वेवलेंथ इवन रेड से भी ज्यादा है ना। अगर इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड से ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट कैसी होगी पुत्र? आप पीछे 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 आप बेटा, डियर चिल्ड्रन, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट 1/4 पावर ऑफ द वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होती है। वेवलेंथ बढ़ गई, रेड से भी ज्यादा हो गई तो स्कैटरिंग क्या हुई? अगर कम हो गई तो दूर से दिख जाएगी। दैट्स व्हाई समटाइम्स इंफ्रारेड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो होते हैं उनके ऊपर इंफ्रारेड कलर के छोटे छोटे लाइट लगे रहते हैं कि लोगों को दूर से पता चल जाए और कोलिजन को अवॉइड किया जा सके। क्लियर? चलें आगे। सो आई वाज कैरिंग विद मी फ्यू सैंपल पेपर्स। बहुत बढ़िया, सैंपल पेपर थोड़ा देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि ये चीज होती है कोई। अब यस, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको एक क्लॉक दिया गया है, क्लॉक पे क्लॉक मार्किंग्स की हुई है। कितना टाइम इंडिकेट कर रहा है क्लॉक? 2:35। आपको कहा गया है इसका मिरर इमेज कितना टाइम शो करेगा? ऑप्शंस हैं 2:25, 2:35, 6:45, 9:25। पक्का? सच में? यस, वेरी गुड। इसका मिरर इमेज 9:25 शो करेगा। और
और आगे चलें। चलिए बाकी कल कर लेंगे बेटे, थैंक यू ऑल।